हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक चमन एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि रेजिस्टेंस है ओम्स लॉ के। पढ़ने से पहले हमें ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब करेंट और पोटेंशियल का हमने ऑलरेडी लेक्चर बना दिया है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो रेजिस्टेंस होगा। इन तीनों को पढ़ने के बाद ही हम लोग ओम्स लॉ को बेसिकली डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आज जो हमारा जो कंप्लीट डिस्कशन होगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के आसपास ही होगा सारा डिस्कशन, ठीक है। सो मुझे पता है कि आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, अभी टर्म टू आने वाला है आईसीएसई का और ये टॉपिक ऑलमोस्ट टर्म टू में ही आएगा हर साल, ठीक है। सो इसको अच्छे से हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। सो बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा कि जब एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये बात हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि आखिर उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले कौन जाता है, है ना। ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस बनता है कि वो चार्ज फ्लो करता है। तब हमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, कि हम अगर किसी चार्ज के अगेंस्ट वर्क कर ले तो वापस से, मतलब जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, आप देख सकते हो कि उसका लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है। मतलब अब क्या हुआ कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में हमने एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है, ठीक है, जिसको कि हमने V बोला, और इसमें करेंट ऑफ फ्लो कर रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है, तो क्या इसके फ्लो के, एक्चुअली आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का मतलब है जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है द डायरेक्शन ऑफ करेंट के। सो द क्वेश्चन इज लाइक कि इन एनी सब्सटेंस, इन एनी कंडक्टर्स, स्पेशली विल टॉक अबाउट कंडक्टर्स, तो क्या जब हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं या जब हमारा करंट फ्लो करता है तो क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके रास्ते में, क्या कोई ऐसी चीज भी है जो उसको फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। सो इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने से कि क्या इसके अंदर में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सो द राइट आंसर इज यस, ठीक है। और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो कहीं ना कहीं उस फ्लो को डिस्टर्ब करता है। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, चूंकि हम साइंस में ना कोई भी चीज को पहले पढ़ते हैं उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि वो जो फिनोमेना है क्या हम उसका यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस का फिनोमेना है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, इसका कई बार हमें फायदा भी होता है और कई बार नुकसान भी होता है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी हीटर्स है, हाँ, रूम हीटर हो या फिर किचन में जो हीटर्स यूज करते हैं या फिर आप आयरन जो यूज करते हो, इन सारे में ये रेजिस्टेंस एक वरदान है हमारे लिए, ठीक है। इसके रेजिस्टिविटी की वजह से, इसके रेजिस्टेंस की वजह से ही हम हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि वायर के अच्छे नहीं होने की वजह से, रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से हमें प्रॉब्लम भी होता है ना, इसकी वजह से हमें स्टेबलाइजर यूज़ करना पड़ता है या रेजिस्टेंस की वजह से जो होता है वो बेसिकली वो लॉस होता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या रेजिस्टेंस का एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, क्या रेजिस्टेंस का होना एक नेचुरल फिनोमेना है या किसी फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, क्या इस रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बने रहिए और ग्रेविटा क्लासेस के इस लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस के बारे में हर वो चीज़ बता दिया जाएगा, ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड में पता होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग उस फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस सर्किट के अंदर में तो आखिर उस कंडक्टर में होता क्या, तो उस कंडक्टर के अंदर क्या होता है। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक कंडक्टर का, ठीक है, एक बड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, ताकि हम अंदर के मैकेनिज्म को थोड़ा सा ठीक से समझ सकें, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, ओके। सो हमने एक वायर को ऐसे समझ लो कि जूम करके हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना है, ठीक है, उसके अंदर के कंपोनेंट्स को अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मेटालिक वायर है, एक मेटल है, इसके अंदर का ये क्रॉस सेक्शनल हमने थोड़ा सा बनाया। तो मेटल में एक्चुअली होता क्या है, मेटल में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है,
मतलब मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि आराम से मूव कर सकते हैं। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आउटर ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, है ना। आप जानते हो कि जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सब है, मतलब मेटल का ये प्रॉपर्टी होता है कि मेटल्स आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट वी ऑलरेडी नो। और इसी वजह से वो करंट को क्या करता है, करंट को फ्लो करने देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाता है, दैट्स फाइन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि मेटल के अंदर में किस तरह की बॉन्डिंग होती है और उस बॉन्डिंग की वजह से कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर के एटम्स को एक बार देख लेते हैं कि मेटल के अंदर में अगर छोटे छोटे एटम्स की बात करें, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, एटम होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो मेटल के अंदर जो एटम्स के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अभी समझेंगे कि वो मेटालिक बॉन्ड होता क्या है, कैसे वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, सपोज करो वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये जो वायर का लेंथ है इसका लेंथ जो है हमने एल ले लिया है, ठीक है। एक वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ हमने ले लिया एल, चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर मेटल के अंदर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो इनका गैप्स होता है जिसको हम लोग वाइट्स बोलते हैं, ठीक है, उस वाइट्स के अंदर में हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, यहां तक तो ठीक है, चलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई बात नहीं है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से बाहर आकर घूम रहे होते हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये एटम से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही आप जानते हो कि जैसे ही कोई एटम है, सपोज करो ए कोई एटम है और इससे अगर बाहर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस पे चार्ज क्या आ जाता है, ठीक है। तो ये तो सही है कि इससे बाहर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी चीजों पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि ये एटम से बाहर आ चुके हैं, वो इधर उधर घूम रहे, दे आर फ्री, ठीक है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर आए हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर आए हैं? द आंसर इज नो। ओके, सो आपको पता है कि जब कोई एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इसको हम लोग आयंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयंस बोलते हैं। बट यहां तो एटम से बाहर आया लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं गया, इसलिए इसको हम लोग आयंस नहीं बोलते, इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स, क्या बोलते हैं इसको, कर्नल्स बोलते हैं। देखो आयंस में और कर्नल्स में डिफरेंस होता है, आयंस जो होता है वो कंप्लीटली लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को और वो बॉडी से बाहर चला जाता है। यहां पे क्या है, एटम से भले ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया हो लेकिन ये मटेरियल के बाहर नहीं गया है। सो बेसिकली ये जो अभी ये मटेरियल है ना, ये अभी अभी चूंकि कोई बैटरी हमने नहीं लगाया है सो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से मतलब जितने इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, यहां तक में कोई दिक्कत है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमने इसको कहा कर्नल्स, चलिए कर्नल्स क्या होता है, तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं तो जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बचता है उसको हम लोग कर्नल्स बोलते हैं, वेरी गुड। नाउ सिंस वी हैव नॉट अप्लाइड एनी पोटेंशियल डिफरेंस टिल नाउ, ओके, सो ये कर्नल्स बाहर में ऐसे ही घूम रहे होंगे, ठीक है, ये घूम रहे होंगे, है ना। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई भी बैटरी कनेक्ट करेंगे या जैसे ही हम इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, कहानी बदल जाएगा, आप समझ रहे हो। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ हमने लिख दिया ए, जैसे ही हम इसको किसी भी एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट होने का मतलब क्या हो गया, अब इसके दोनों टर्मिनल पे हमने एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। और आपको पता है कि फिनोमेना में क्या होता है, फिनोमेना में होता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से होते हुए और कहां पे इंटर करते हैं, ये मेटल के अंदर इंटर करते हैं। और आपको पता है कि किसी भी मेटल के अंदर में जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड हो गए वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और हर मटेरियल ये चाहता है कि अपने आप को न्यूट्रल रखे, ठीक। दूसरी बात, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा,
ठीक है, मतलब यूं समझ ले कि यहां पे एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो इस इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के इसके आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल पे आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी रास्ता में उसको क्या हो, परेशानियों का सामना करना पड़े। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या ये आराम से आ जाएगा या नहीं। अब यहां पे एक और हम लोग बात करेंगे एक चीज का, टेम्परेचर का चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रूम टेम्परेचर है या किसी भी टेम्परेचर है, ये जो हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे ये किसी न किसी टेम्परेचर पे करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, या फिर आप ऐसे समझ लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, तो वहां ये कहा जाता है, या फिर नॉर्मली ये होता है कि जब टेम्परेचर एकदम 0 डिग्री होता है, देन देर इज नो वाइब्रेशन, देर इज नो काइनेटिक एनर्जी। व्हाट आई मीन इज कि ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है, इन जितने भी हमारे कर्नल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, वाइब्रेशन। अब मैंने अभी कहा कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स के बीच एक, यहां पे देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन को सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है, ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, है ना। सो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कर्नल्स आर अट्रैक्टेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन इलेक्ट्रॉन्स और इन कर्नल्स के बीच में, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, या सिंपली इंटरनल बॉन्ड ऑफ मेटल बोलते हैं। अब आप सोचो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने उसके अंदर में एटम्स होंगे या कर्नल्स होंगे। सो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और जो कर्नल्स होते हैं उसके अंदर में बहुत ज्यादा, बहुत नंबर ऑफ फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है, मेटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेटल्स आर वेरी स्ट्रांग, सो वी कैन इजीली डाइट मेटल्स आर वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ दिस मेटालिक बॉन्ड्स, एंड दिस मेटालिक बॉन्ड्स इज यू नो एग्जिस्ट द फोर्स बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस कर्नल्स। ठीक है, नाउ मैं जैसा कि मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर देर इज वाइब्रेशन। किसका वाइब्रेशन होगा, इन जितने भी कर्नल्स है ना, इन सब में एक वाइब्रेशन हो, ठीक है, इन सब में क्या होगा, एक वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब है कि वो, चूंकि अगर ये इधर जाएगा तो ये खींचेगा, और अगर ये इधर जाएगा तो ये खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा कि आप देख सकते हो हर जगह है, ठीक है, तो ये वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या होता है इनके अंदर, वाइब्रेट। और ये वाइब्रेशन किसकी वजह से होता है बताइए, ये वाइब्रेशन जो है ये इस टेम्परेचर की वजह से। इसका मतलब यह होगा कि पहले हम इसको समझते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और एक गेम है, हमने देखा होगा कि आईफोन में सबसे पहले आया था टेम्पल रन करके, उसमें ना एक इस तरीके का हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा तलवार जैसा होता है, राइट, इस काइंड ऑफ सोर्ड, की वो पहले स्लोली जब हमारा लेवल कम होता है तो आराम से ऐसे ऐसे करता है और हम भाग रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है इसका जो स्पीड है वो तेज हो जाता है। अब उस तेज स्पीड की वजह से क्या होता है कि जो टेम्पल रन में लड़का भाग रहा होता है वो बार बार करता है। अब यही छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगाते हैं, मतलब क्या हो गया कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, और टेम्परेचर को अगर घटा देंगे तो वाइब्रेशन घटेगा। किसका, इस कर्नल्स का। मतलब अगर टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो वाइब्रेशन जो हो जाएगा घटेगा। अब आप समझो, अब समझो आप टेम्पल रन खेल रहे हो, इधर से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्सन है वो आना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर वाइब्रेशन कम होगा तो इसको आने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो इसको आने में प्रॉब्लम होगा। और बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, ये आते हैं और ये एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कर्नल्स के साथ बेसिकली टकराते हैं, वो बेसिकली ये जो कोलिजन होता है, और फाइनली ये यहाँ पहुँचता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। सो बेसिकली ये जो जिगजैग मेथड, ये जिगजैग पाथ जो है, ठीक है, ये जिगजैग पाथ किसकी वजह से होता है, कोलिजन की वजह से होता है। मतलब क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स देर इज ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज
रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ, ये वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ क्या बढ़ेगा, कोलिजन। बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर के बढ़ाने से वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स बढ़ा, वाइब्रेशन के बढ़ने से हमारा जो कोलिजन है, कोलिजन बिटवीन किसके किसके बीच कोलिजन हो रहा है, सो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स, ठीक है, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो कोलिजन है वो बढ़ेगा। और जस्ट अपोजिट अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे, ठीक है, तो वाइब्रेशन घटेगा, और वाइब्रेशन घटेगा तो हमारा कोलिजन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर कोलिजन कम होगा तो ये रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है, ठीक, कि जो रेजिस्टेंस है वो पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, उसको फ्लो करने से क्या करता है, वो रोकता है, और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड में हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिसिटी, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ओके, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, और वन एंड ऑफ वायर टू अनदर एंड ऑफ वायर, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन साइड दिस मेटल, ओके, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म ये रहा कि किसी भी मेटल के अंदर में ड्यू टू द टेम्परेचर देर इज वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स देर इज कोलिजन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन हाँ देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज रेजिस्टेंस। नाउ सो यहाँ पे हमने एक चीज तो बहुत आराम से देख लिया कि अगर अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर के साथ हमारा रिलेशन निकला कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें, कौन से फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर तो हमारा क्लियर हो गया। अब आप बताओ अगर ये वायर मोटा होगा, ओके, सो द The option for that electron to travel from one point to another point is more, है ना? जैसे अगर हमारा रोड पे हम चल रहे हो, हाईवे पे गाड़ी चलाना बहुत ईजी होता है, क्यों, क्योंकि हाईवे बहुत चौड़ा होता है, तो वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है। और वहीं पे अगर कोई पतला सा रोड है और वहाँ अगर आप फास्ट भागने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ओके। इसका मतलब ये हुआ द पॉइंट नंबर टू, ठीक है, सो इट इज बेसिकली फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर नंबर वन टेम्परेचर, फैक्टर नंबर टू लेंथ ऑफ द वायर, इसको हम लोग एल से यहां पर डिनोट कर, ठीक है। लेंथ से पहले हम लोग आते हैं, पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे थे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हमने यहां पर डिनोट किया है किससे, ए से। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा ये एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, सो इसके कोरिस्पोंडिंग जो रेजिस्टेंस होगा, हम इसको हटा के यहां पर लिख देते हैं, ये भी ए है और ये भी ए है, तो अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया के ज्यादा होने की वजह से वायर जो होगा वो काफी मोटा होगा, और मोटा वायर होने की वजह से जो कोलिजन का अमाउंट है वो कम होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो पतला वायर यूज कीजिए, और अगर कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप मोटा वायर यूज कीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, थर्ड बहुत इजी है, ठीक है, अब इसको और इजी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे कि देखिए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, और जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर आपने चला, तो लेट्स सपोज कि आपका एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी है 10 बार आपका एक्सीडेंट हुआ या 10 बार ये इलेक्ट्रॉनिक से कोलाइड किया, तो अगर फॉर 10 किलोमीटर इट कोलाइड लाइक आपका जो या फिर हम इसकी लेंथ के टर्म्स में लेते हैं, अगर 1 मीटर के वायर में सपोज करो 10 टाइम्स कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो 2 मीटर में क्या होगा,
20 टाइम्स, 3 मीटर में क्या होगा 30 टाइम्स, मतलब क्या हो गया कि अगर लेंथ जितना आप बढ़ाओगे वायर का, ओके लेंथ ऑफ द वायर, अगर लेंथ ऑफ द वायर जितना ज्यादा होगा आपका एल, उतना ही ज्यादा आपका क्या क्या होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, और जस्ट इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर लेंथ, अच्छा यहाँ पे हमने कहा कि लेंथ ऑफ द वायर अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका उल्टा भी करेक्ट है, अगर हमारा लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। ये तीन फैक्टर हो गए, और जो तीसरा फैक्टर, जो चौथा फैक्टर की हम लोग बात करेंगे, वो जो फोर्थ फैक्टर है हमारा, वो फोर्थ फैक्टर मटेरियल से होता है कि कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हो, कौन सा कंडक्टर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सो ये कहता है कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बेसिकली उसके रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल को हम लोग बेसिकली रेजिस्टिविटी बोलते हैं, मतलब रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा, और अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा। अब यह है कि ये रेजिस्टिविटी होता क्या है, इसके बारे में एक मिथ है कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं उनको लगता है बहुत, नहीं, ये रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, एक, ठीक है, एक फैक्टर हो गया इसका क्या मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया, बिकॉज ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, और दूसरा जो है ये डिपेंड करता है किस पे, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मतलब अगर हमको किसी चीज का स्टडी करना है तो हमें पहले टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम मटेरियल होने के बाद भी अगर आप टेम्परेचर को अगर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज करेगा, मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी आपका बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टिविटी आपका घटेगा, और नेचर का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, अलग अलग कंडक्टर्स हो सकते हैं, ये बात समझ में आया कि नहीं। सो ये है आपका टोटल मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, या एक रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमने पढ़ लिया कि कैसे रेजिस्टेंस, मतलब एक वायर के अंदर जब पोटेंशियल को प्रोड्यूस किया जाता है तो कैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता है। आई होप कि ये क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया हो अगर, या फिर कोई प्रॉब्लम फील हो रहा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसे सॉल्व करने की या फिर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने जितना डिटेल में आपको रेजिस्टेंस बता दिया है उतना डिटेल में क्लास टेंथ लेवल पे आपको उतना नहीं जानना है, ठीक है, कि आप जेई वगैरह का जब प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा जानोगे तो ईजी होता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसका ये लेना देना नहीं है, ठीक है। सो अब हम जान गए हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए अब वही चीज जो हमने पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स, वन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो आर घटेगा, सेकेंड फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, थर्ड लेंथ, लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और फोर्थ रेजिस्टिविटी पे, ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये चार फैक्टर्स है जिसपे कि आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसको हम लोग अगर लैंग्वेज में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि R is directly proportional to length and R is inversely proportional to cross sectional area, proportionality constant को लेते हैं, हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा rho L by A, ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सो L इज लेंथ, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस rho इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हम अभी तक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, अभी इससे जुड़ा हुआ कुछ और चीज है, कुछ और टर्म्स है, हम लोग उसका भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे
ठीक, चार चीजों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस, ठीक, और रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। क्या होता है ये? कंडक्टेंस, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से हमने पढ़ा थोड़ा सा रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ा? रेजिस्टिविटी, या फिर ना चलो कोई बात नहीं है, उसे भी चलेगा, रेजिस्टिविटी है ना। और रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिविटी। थोड़ा सा इसके सिंबल्स पे आ जाते हैं, ठीक है, इसके सिंबल्स पे आ जाते हैं तो बहुत इजी है, ठीक है। इसका सिंबल होता है कैपिटल आर, इसका सिंबल होता है कैपिटल जी, ठीक है, इसका सिंबल होता है रो, और इसका सिंबल होता है सिग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R, G, Rho, Sigma रिलेशन में आ जाते हैं। सो R होता है इज इक्वल टू 1/G, ठीक है, और यहाँ पे G होता है इज इक्वल टू 1/R, यहाँ होता है Rho इज इक्वल टू 1/Sigma, और यहाँ होता है Sigma इज इक्वल टू 1/Rho। ये एक दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो उसका कंडक्टिविटी कम होगा, और अगर किसी वायर का रेजिस्टिविटी कम होगा तो उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। सिमिलरली यहां पे देखिए, अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, और किसी वायर का रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिया रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन को और डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना, जब भी मेरा लेक्चर देखो ना, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि मेरा लिखा हुआ मेरा लिखा हुआ, आपका अपना लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। इज इट ओके? चलिए, सो यहां पे रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, है ना। क्या होता है? ओ एच एम। ये हमने क्या बोला? एसआई यूनिट। क्या बोला हमने? एसआई यूनिट, ठीक है। तो फिर कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? सो नीचे ये हो जाएगा इसका 1/ohm, ऐसी को हम लोग लिखते हैं ओम इनवर्स, ठीक है। अब सवाल आता है कि यहाँ पे रो का हमारा यूनिट क्या होगा, तो देखना एक बार जरा, ठीक है। सो हमारा आता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है जी। सो आप अगर यूनिट लिखोगे तो इसका ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा मीटर, और इसका हो जाएगा आपका क्या? ओम। ये ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो रो का ऐसा यूनिट आएगा, ठीक है, रो का जो ऐसा यूनिट आएगा, ठीक, वो आएगा आपका ओम मीटर, ठीक है। तो अगर ओम मीटर रो का आ गया तो सिग्मा का क्या आएगा बताओ? इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट आएगा 1/ρ है, यानी कि 1/ohm इंटू मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसआई यूनिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चारों का ऐसा यूनिट हमने देख लिया। अब आते हैं थोड़ा सा रिलेशन पे आते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, देखना जरा रो इज इक्वल टू क्या है हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा, है ना, लिख तो लिया होगा आपने, अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो रो एल बाई ए है ना, ये हो गया किसका रिलेशन? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, प्लीज इसमें अब ये मत कहना कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, नहीं, यहाँ पे बच्चों से गलती होती है। रो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, और इसका वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, या फिर अगर फॉर्मूला से अगर निकालना चाहो तो उससे भी निकल जाएगा, बट ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। नाउ सो रो का वैल्यू तो हमें पता चल गया, अब बताओ यहां से सिग्मा का वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे तो ये होता है 1/ρ, और ये देखो ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा L और नीचे में आ जाएगा R इंटू ए,
ठीक है, समझ में आया। और वन अपॉन आर को आप क्या बोलते हो, देखो यहाँ पे वन अपॉन आर को आपने क्या बोला, जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ये एक रिलेशन होता। फाइन, अब यहां पे आते हैं, अगर जी का वैल्यू हम लोग लिखे हैं रो के टर्म्स में तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर, तो आर क्या होता है रो, एल और ए कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहां से जी का वैल्यू आपको पता है वन अपॉन रो का वैल्यू क्या होता है सिग्मा, तो सिग्मा ए अपॉन एल। ठीक है, और आर का वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैंने क्यों बताया ये सारा चीज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, इन चारों में कोई प्रॉब्लम है तो बताना, इन चारों का यूनिट, इन चारों का फॉर्मूला, ठीक है, और इन चारों के बीच रिलेशन आपको जानना है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। इसका SI यूनिट, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, और मैं तो कहूँगा लिखना है, नोट्स बनाना है सब लोगों को। ठीक है, इसका क्या हो गया ओम मीटर, और इसका क्या होगा ओम इनवर्स। ये है पूरा कहानी आपके रेजिस्टेंस का। और कोई भी बात अगर है, कोई भी बात अगर आपके मन में है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सेम चीज़ आपको 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको CBSE के सिलेबस में इसको मिलेगा ये। ठीक है, सो आई गेस क्या है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम में मुझे और कोई बात मैं कर नहीं पाता, और डिजिटली बच्चों को पढ़ाना थोड़ा टफ है ना। ये टफ क्यों है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो इंटरेक्शन फिजिकली एक टीचर्स के साथ हो सकता है बच्चों का, वो डिजिटली बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है डिजिटल एजुकेशन का कि सुदूर के बच्चे, यानी बहुत जो दूर रह रहे हैं, ठीक है, डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे मतलब एक अच्छे टीचर से दूर होकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों का अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको, मैं जितना जानता हूँ, ठीक है, उतना आपको बता सकूँ, और आप मुझे हेल्प करेंगे चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने में। ठीक है, सो मेरे इनसे आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोशिश रहेगी कि जितना अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट हो सके आपको दिया जाए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो आपका वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, सीरीज एंड पैरेलल का। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।